Welcome to SJ Inceptions. I am at India's most famous exotic pet shop. Here is the Karnataka Aquarium with a brand new look. So before entering the shop, I would like to show you the amazing board of Karnataka Aquarium. And here are the social media handles of Karnataka Aquarium. तो इतना लाजवाब बोर्ड मैंने पहली बार किसी एग्जॉटिक पेट शॉप का देखा है. सो नाउ विल प्रोसीड इनसाइड द कर्नाटका एक्वेरियम. Finally, I am entering India's most famous exotic pet shop. Here is the brand new look of Karnataka Aquarium. Wow, so just look at that. And सबसे पहले highlight करना चाहूँगा, इतनी बड़ी awesome name branding मैंने पहली बार किसी pet shop की देखी है. And look at the way all the tanks have been arranged and सारे पेट्स के लिए कैटेगरी कर रखी इन्होंने. सो फर्स्टली आई वुड लाइक टू हाईलाइट ऑल द की पॉइंट्स एट कर्नाटका एक्वेरियम. हियर इज द टर्टल सेटअप. टर्टल सेटअप के ठीक नीचे है इनका इनवर्टिब्रेट्स का सेटअप. उसके बाद में यहाँ पे मरीन टैंक्स बन रहे हैं इनके. देन हियर इज द मेन फिश टैंक सेक्शन विच इज dedicated to all fresh water fish, exotic fish, tropical fish. Then here is in front of you a beautiful blue and gold macaw of best quality. So ये आपको high बोल रहा है. Then यहाँ पे आपके सामने है turtle का setup, नीचे crayfish का setup, नीचे rodent का setup. उसके बाद में यहाँ पे reptiles का setup. And इनके पास आपको almost सारे aquarium essentials, aquarium useful products मिल जाएंगे. So look at the way they have categorized everything neatly, properly, well arranged. So now with us, the man with a vision, the mastermind, here is Mr. Liaquat. Hello Liaquat bhai, how are you doing? Fine bhai. Toh bhai, kya baat hai, step in karke hi itna alag feel aa raha hai aapke shop mein. Aapne toh pure shop ka naksha hi badal diya. Waqai mein ab aisa feel aa raha hai ki this is actually truly really India's most popular, most famous exotic pet shop, Karnataka Aquarium, को जो आपने level up किया है, जो upgrade किया है, जो one step ahead लेके गए हो आप, हर एक animal के लिए, exotic pet के लिए, बहुत अलग अलग category की है आपने, maintenance में देख रहा हूँ, बहुत बहुत शानदार, and जितनी तारीफ करो उतना कम है भाई. Thank you so much once again for inviting me and giving me this opportunity to cover your beautiful pet shop. And मैं आशा करता हूँ कि हमारे व्यूवर्स को भी बहुत पसंद आया होगा आपके शॉप का न्यू लुक. मैं ये जानता हूँ कि कितनी मेहनत लगी होगी, कितना सोचा होगा आपने इस शॉप को एक्चुअल ऐसे स्टेट पर लेकर आना. तो बहुत सारी मेहनत इन्वॉल्व है, बहुत एफर्ट्स, हार्डवर्क इन्वॉल्व है ये स्टेट पर शॉप को लेकर आना, जब से आपने स्टार्ट किया था और आज जिस मकाम पर आप खड़े हो. बहुत सारा हार्डवर्क, बहुत सारी मेहनत, लगन, उसके बाद ये सक्सेस आपको मिला है. बट आगे और जाना है और बहुत सारे अचीवमेंट्स पाने हैं. क्या कहना चाहेंगे शॉर्ट में, अब जो ये खूबसूरत, बढ़िया, वन ऑफ इट्स काइंड, यूनिक शॉप आप बनाए हो, जो देखकर ही सामने वाले का, देखने वाले का दिल खुश हो जाता है, ऐसा लगता है देखते रहो क्या है क्या नहीं, क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? भाई बस मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, इसमें मेरा कुछ हाथ नहीं है. जो आज जिस मैं मुकाम पे हूँ, जो भी जैसे कि हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स है, मैं एक्चुअल में यूट्यूब से ही बिजनेस करता हूँ, जो हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर है तो उन्हीं को थैंक कहना चाहूंगा कि जितना वो मुझे सपोर्ट किए, जितना वो कॉन्फिडेंस मुझे दे रहे थे, आज उस कॉन्फिडेंस की वजह से मैं ऐसा कर चुका हूँ. सो स्वीट ऑफ यू भाई. तो मेरी इस विजिट में भाई हम बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे. आज ये पहला वीडियो है मेरा, पहला दिन का, तो इसमें हम आपकी शॉप की टूर दे देंगे. उसके बाद क्या क्या दिखाने वाले हो आप भाई? जो भी है मैं वीडियो में अभी बोलना नहीं चाहूंगा, आपके व्यूअर्स को थोड़ा जरूर क्यूरियोसिटी बिल्डअप करेंगे. हाँ,
तो मैं जो भी बताऊंगा एग्जॉटिक बताऊंगा जी, और मैं ये कोशिश करूंगा कि जो पहली बात इंडिया में कोई भी यूट्यूबर जो नहीं शूट करके है वो मैं इस चैनल पे बताना चाहूंगा। ऑसम भाई, बहुत अच्छा लगा जानकर। और बहुत सारे लोग ऑल ओवर इंडिया से एग्जॉटिक पेट हॉबी में ज्वाइन हो रहे हैं, नए नए लोग आ रहे हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कर्नाटका एक्वेरियम इज द वन एंड ओनली एग्जॉटिक पेट शॉप अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज व्हिच डिलीवर्स पेट्स टू ऑल ओवर इंडिया, राइट भाई? जितने भी मैं पेट शॉप जानता हूँ, मैं विजिट किया, उसमें से वन एंड ओनली कर्नाटका एक्वेरियम डील्स इन डिलीवरी ऑफ ऑल काइंड ऑफ एक्सोटिक पेट्स, एंड ये चीज मुझे बहुत इनकी अच्छी लगती है। सो विथ योर परमिशन लियाकत भाई, कैन वी प्रोसीड टूवर्ड्स कवरिंग योर ब्यूटिफुल पेट शॉप? ऑब्वियसली भाई, जरूर। थैंक यू सो मच। सो जस्ट लुक एट द ऑसम फ्रेश वाटर फिश टैंक सेक्शन ऑफ द रिवैम्प्ड कर्नाटका एक्वेरियम। सो हम लोग शुरू करेंगे, आपको सारे फिशेस दिखाएंगे और इनके प्राइजेस भी आपको बताएंगे। तो सैयद लियाकत भाई, मुझे ये बताइए कि सबसे सस्ती फिश कर्नाटका एक्वेरियम में कौन सी है आपके पास अवेलेबल? ये मोलिस फिशेस है, जो रेगुलर फिशेस आती है। ओके, मोलिस एक ऐसी फिश है, कॉमन फिश है, इसको आप मैराइन फिश में भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैराइन टैंक आती है जी, मैराइन टैंक में भी ऐड कर सकते हैं और फ्रेश वाटर में भी ऐड कर सकते हैं। तो भाई ये सबसे सस्ती फिश है आपके पास, तो प्राइस क्या है इस मोली फिश की? 20 रुपीज पेर है। अच्छा, मतलब 10 रुपए में एक मोली फिश मिलेगी। बहुत बढ़िया। और एक चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, आप देखिए पीछे की तरफ कर्नाटका एक्वेरियम का लोगो इन्होंने प्रिंट कराया है विनाइल बैकग्राउंड पे। ये चीज बहुत लोग को क्यूरियस लगी होगी, तो भाई ये बताएंगे कि ये जो आपने हर एक फिश टैंक पर आपका लोगो एम्बॉस कराया है, बहुत ही जबरदस्त जोरदार ब्रांडिंग की है आपने कर्नाटका एक्वेरियम की फिश टैंक्स पर, ये कैसे किया आपने वो बताइए। हाँ, ऐसे ही बैठ के सोच रहा था तो कुछ भी दिमाग में आया मैं लगा दिया। अच्छा, ऐसा कुछ ये नहीं है जैसा आप बोल रहे हैं। जी जी, जो दिमाग में आया मैं वैसा किया, मुझे बस ऐसा बनाना था कि कुछ अलग लगे। सही बात है, तो ये वाकई में भाई बहुत डिफरेंट और यूनिक लुक दे रहा है आपके शॉप को, एंड इट इज मेकिंग कर्नाटका एक्वेरियम स्टैंड अपार्ट फ्रॉम ऑल द अदर पेट शॉप्स, ऑनेस्टली रियली। सो भाई आपने बताया 20 रुपीज फॉर अ पेयर, बहुत ही सस्ते में सस्ता, सस्त में मस्त रेट है। उसके बाद में नीचे यहाँ पे कॉमन गोल्ड फिश है, इनकी क्या रेट्स हैं? 40 रुपीज पेयर है। Alright, 20 rupees for one goldfish. Amazing. उसके बाद में यहाँ पे कुछ small fishes है, इसके अंदर बताइए भाई कौन से है? भाई इसमें एक टाइगर बार्ब है, एक वीडियो टेट्रा है। जी, वीडियो टेट्रा में अभी मेरे पास 3 वैरायटी के वीडियो टेट्रा है। अच्छा, ये कॉमन वीडियो टेट्रा है, ये 50 rupees पेयर है, और टाइगर बार्ब जो है ये भी 50 rupees पेयर है। ठीक, साइड में मैं देख रहा हूँ भाई विडो टेट्रा ही आपके पास, बट कलर वाली है। हाँ, कलर वाली मिक्स कलर में भी है, और इसमें टेट्रास में बहुत 2-3 वैरायटी के टेट्रास है मेरे पास। अच्छा, हाँ, इनकी कैसी प्राइस है भाई? इनकी 200 रुपीज पेयर है, 150 रुपीज पेयर है। ओके, डिपेंड्स ऑन साइज, अभी तो ये 150 रुपीज है जो छोटे है जी। और ब्लैक गोश्त भी है मेरे पास, इसमें आप देख सकते हैं ब्लैक गोश्त यहाँ पे है। हाँ, ब्लैक गोश्त है, बहुत बढ़िया वेल सेट पीस है। और ये वाला भाई, ये ग्लास फिश है, वो और है बता दूंगा, वो एक दो मिस हो गई है। श्योर। और ये पोलर पैरेट है, इसमें अल्बाइनो पोलर पैरेट है और ब्लू पोलर पैरेट दोनों है। ओके, तो इस बार भाई बहुत ही वैरायटी का अलग अलग स्टॉक आपने रखा है आपके शॉप में, बहुत बढ़िया। ये वाला आप देखिए, बड़ा ही सेट पीस है, मेंटेन किया हुआ पीस है, क्योंकि इनके पैटर्न आप देखिए, कलर देखिए, कितने जबरदस्त उठ के दिखाई दे रहे हैं। ये कैसे आएंगे भाई पोलर पैरेट? ये 800 रुपीज पेयर है, 550 रुपीज पेयर है, अभी तो ये 550 रुपीज पेयर जो मेरे पास स्टॉक है 550 रुपीज का है। राइट, आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आप देखिए क्या कमाल की जबरदस्त स्ट्राइप वाली पैटर्न वाली फिश है, क्या नाम है भाई इसका? बैंडेड फिश। ओके, क्या प्राइस है इनका? इनका सभी अलग अलग प्राइस है, 1500 रुपीज पेयर है। ओके, एग्जॉटिक फिश में आते हैं भाई ये? हाँ, ये सब एग्जॉटिक फिश में आते हैं। ये देखिए क्या कमाल की दिख रही है, देन लुक एट यो, यहाँ पे रेनबोज है ये भाई सारे। हाँ, इनकी कैसी प्राइस है? 350 रुपीज पेयर है। ओके, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये वाली भाई, क्या पीस है ये? सेनेगल। ओ, कैसा आएगा सेनेगल? 1500 रुपीज पेयर है, इसमें कॉमन है और अल्बाइनो दोनों। अच्छा, ये वाला देखिए अल्बाइनो, ये वाला कॉमन सेनेगल। ऑलराइट,
नीचे गप्पी से आपके पास भाई। हाँ, गप्पी से। और पानी भी आप देखिए कितना क्रिस्टल क्लियर है, ऐसा लग रहा है कि पानी ही नहीं है इसके अंदर, इतना बेहतरीन मेंटेन किया है इन्होंने। और ये सब्सट्रेट भी आप देखिए नीचे जो इन्होंने डाला हुआ है, बहुत ही हाई क्वालिटी का यूज करा है। सो गप्पीज की प्राइस बताइए भाई। 120 रुपीस पेर है। ओके ग्रेट। देन यहाँ पे नीचे जॉइंट पूरा में। ऑलराइट, अल्बाइनो जॉइंट है भाई। हाँ, अल्बाइनो जॉइंट। रेड आईज वाले हैं। हाँ, रेड आईज। कैसे आएंगे भाई? 1200 रुपीस पेर है, 600 रुपीस ईच है। ओके, देन यहाँ पे देखिए है पफो फिश, ब्रैकिश वाटर फिश, सीजनल फिश, कम देखने को मिलने वाली फिश। कैसी आएगी भाई पफो फिश हमको? ये 550 रुपीस पेर है, इसका साइज भी बहुत अच्छा है जी। इसका मैं आपको इधर दिखा दूंगा जो और हेल्दी है, ये क्वारंटाइन में है। अच्छा, और ऑलराइट, देन यहाँ पे गोल्ड फिश है आपके पास? हाँ, रेड कैप गोल्ड है, वरांडा गोल्ड है जी। ये कैसे आएंगे? 450 रुपीस पेर है, 350 रुपीस पेर है, डिपेंड ऑन साइज है। यहाँ पे स्मॉल साइज फिश वैरायटीज, ग्लास फिश है भाई। हाँ, कलर ग्लास फिश। अच्छा, कैसे आएंगे दाम इनके? ये 120 रुपीस पेर है। ओके, देन यहाँ पे भाई इसमें अल्बाइनो टिल्फाइन है, सिल्वर टिल्फाइन है जी, और नॉर्मल गुरामी है। ओके, तीनों फिश है। ऑलराइट, ये कैसे मिल रहे हैं भाई? अल्बाइनो टिल्फाइन 150 रुपीस पेर है, सिल्वर टिल्फाइन 120 रुपीस पेर है जी, और नॉर्मल गुरामी 80 रुपीस पेर है। ओके, देन ये वाले भाई सिक्लेट्स, सिक्लेट्स है भाई, इंपोर्टेड है। ओके, इनका पेर 150 रुपीस है जी, और ये इंपोर्टेड है। जैसे इनको हम खाना देंगे, जैसे इनको क्वालिटी देंगे जी जी, तो ये ऐसे ही कलर बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। अच्छा जी, तो भाई यही वो सेट पेयर है आपके पास सारे? हाँ। ओके, क्या प्राइस है भाई इनकी? भाई ये 450 रुपीस पेयर है जी। सो ये देखिए हर एक पीस इनके पास एकदम प्रॉपरली सेट हो चुका है, किसी के ऊपर भी आपको इंजरी, कट्स या मार्क्स नहीं दिखेंगे। सो दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग दिस थिंग अगेन एंड अगेन कि मेंटेनेंस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है कर्नाटका एक्वेरियम में। देन ऊपर की तरफ यहाँ पे देखिए क्या गजब की वैरायटीज है। ये वाले कौन सी है भाई? ये ब्लू अकारा है जी, ब्लू अकारा और ग्रीन ट्री, ग्रीन टेरर, ग्रीन टेरर रेप्टाइल का ही नाम आता है जी जी। सो कैसे आएंगे ये? ग्रीन टेरर जो है वो 800 रुपीस पेयर है जी, ब्लू अकारा 450 रुपीस पेयर है। ओके, देन ऊपर यहाँ पे तो भाई आपके पास मॉन्स्टर फिश है, ये वाले बड़े बड़े, क्या नाम है इनका भाई? इनको रेसर फिश है भाई। मैं जो भी फिशेस मतलब मंगाता हूँ, मैं खुद सेलेक्ट करके मंगाता हूँ। अच्छा, ऐसा नहीं, क्योंकि अभी ऐसे हो गया है कि नाम सुन के आते हैं लोग, तो उनको क्वालिटी प्लस अच्छी क्वालिटी मिलना चाहिए ताकि वो रेगुलर हमारे क्लाइंट बन के रहे। सही बात, जब उनको अच्छी क्वालिटी देंगे वो तभी रेगुलर आ सक रेगुलर आते हैं। राइट, तो इस वजह से मैं खुद स्टॉक को जो है सेलेक्ट करके लेके आता हूँ। आप पैरेट जब देखिए तो फुल येलो पैरेट ही मिलेगी, अगर आपको रेड पैरेट चाहिए तो देखिए फुल रेड पैरेट ही मिलेगी। सही बात है, तो क्वालिटी एकदम चेक करके लेके आता हूँ। तो पैरेट्स की क्या प्राइस है भाई? भाई पैरेट 900 रुपीस है, अगर कोई क्वांटिटी में ले रहा है तो बहुत ही मतलब बहुत रीजनेबल रेट में हो जाएगा। और रेजर फिश? रेजर फिश 650 रुपीस पेयर है। वाह क्या बात है, इतनी बड़ी साइज का 650 रुपीस। देन हियर आर ब्यूटीफुल आई प्लीजिंग एंजल कलेक्शन। ये वाले कौन से एंजल्स है भाई आपके पास? भाई ये अल्बाइनो एंजल्स है, अल्बाइनो इनको नहीं बोल सकते क्योंकि इनके आई रेड नहीं आते हैं जी जी। लेकिन ये एंजल अल्बाइनो ही है। ओके, और ये मार्बल है कॉमन वाले? हाँ हाँ भाई। अच्छा, तो इनकी कैसी प्राइस है भाई? इनकी 250 रुपीस पेयर है, जो व्हाइट वाले हैं वो 300 रुपीस पेयर है। ओके, हम प्रोसीड करेंगे आगे। सो यहाँ पे बड़े बड़े टैंक्स है, हाइट वाले वर्टिकल स्पेस देखिए कितनी दी हुई है, एंड सेंटर में है बड़ा सा कर्नाटका एक्वेरियम का लोगो जो पूरे टैंक को एकदम अलग ही लुक दे रहा है, चार चांद लगा रहा है। ये बताइए भाई क्या फिश है इसके अंदर? कोई कार्प है भाई, कोई फिश है। ओके, इसमें इंपोर्टेड और कॉमन दोनों है। अच्छा, दोनों में मिक्स करके रखा हूँ। ओके, तो ये इनका मैं इंपोर्टेड और कॉमन दोनों में जैसे कि स्केल लेस हो गया जी, जो स्केल आके है वो सब में 1200 रुपीस पेयर है। ओके, इतनी बड़ी साइज के लिए प्राइस काफी अच्छा है, रिजनेबल है।
दैट्स व्हाट आई फील. देन यहाँ पे सारे सिकलेट्स है, अलग अलग टाइप्स के है, अफ्रीकन है भाई. हाँ सब अफ्रीकन चिकलेट्स हैं, ये भी इम्पोर्टेड चिकलेट्स हैं. ओके, ये जो लोकल इंडिया में भी ब्रीड करते हैं लेकिन वो इंडियन ब्रीड नहीं है, बाहर के ब्रीड हो, बाहर से मतलब इम्पोर्ट हो क्या है. ओके, सो कैसे मिल रहे चिकलेट्स? 450 रुपीस पैर. राइट, इसमें आप चाहे डॉल्फिन लीजिए, कोई भी फिशेस लीजिए, चिकलेट्स में जो आपको ये टैंक में दिख रही है जी, बिल्कुल 450 रुपीस है. बहुत लोग, मैं ये देखता हूँ कि डॉल्फिन को अलग कर दिए, येलो को अलग कर दिए, पाइट को अलग कर दिए, तो उनको सेपरेट सेपरेट रेट रखते हैं. इसमें जो भी चाहिए सेलेक्ट करिए, 450 रुपीस पेयर है. वन रेट फॉर एवरी फिश. ऑसम. सो दिस टैंक इज एंटायरली डेडिकेटेड फॉर ऑस्कर्स. कौन से ऑस्कर्स है भाई इसमें? टाइगर ऑस्कर है, अल्बाइनो टाइगर है. कैसे प्राइस में आएंगे ये? 550 रुपीस पेयर. ओके, नीचे यहाँ पे वो जो चिकलेट्स अभी थोड़ी देर पहले बताया था सेम है. क्या प्राइस में आएंगे? 120 रुपीस पेयर. ओके, सो टैंक का लुक भी देखिए, क्योंकि ऊपर नीचे वुड है इसलिए बहुत ही अलग कमाल का लुक दे रहा है. सो दिस इज अ टेट्रा फिश टैंक डीलिंग इन टेट्रास. कौन से टेट्रास है भाई और क्या प्राइस है? नियॉन टेट्रा है भाई. ओके, क्या प्राइस है? 80 रुपीस पेयर. ओके, एंड नीचे हम लोग यहाँ पे देखेंगे और भी सेटअप्स हैं इनके पास, एंड हर एक सेटअप का इन्होंने सेम लुक रखा है इसलिए बहुत ही अट्रैक्टिव फील दे रहा है हमको. सो ये देखिए यहाँ पे भी और एक एक्सोटिक फिश वैरायटी है. कौन सी है भाई ये? ये थ्री टाइप चिकलेट है जी जी, और ये एशियाटिक फिश है. एशियाटिक चाइनीज शार्क फिश. ऑलराइट, कैसी प्राइस में आएंगे? 250 रुपीस पेर आएगा, वो 1200 रुपीस पेर आएगा. एशियाटिक. ओके, एंड यहाँ पे मोनो एंजल्स सी एंजल आएंगे भाई, 450 रुपीस पेर जी. उसके बाद में नीचे यहाँ पे सिल्वर शार्क, बड़े ही सेट पेयर्स है. इनके कलर्स देखिए आप, बहुत ही सेट और वेल मेंटेन्ड है. कैसे आएंगे ये? 250 रुपीस पेर. ओके, देन यहाँ पे भाई गुरामी की वैरायटी दिख रही है ये तो? हाँ ये गुरामी है भाई. कैसी आएगी? ये 250 रुपीस पेयर है. ऑसम, देन ये नीचे यहाँ पे ये भी ग्लास फिश है, 120 रुपीस पेयर है. और स्मॉल साइज के कोई है? 60 रुपीस पेयर है भाई स्मॉल साइज के कोई. ओके, सो भाई आपके सामने बहुत ही बड़ी टैंक है एग्रेसिव फिशेस की है. कौन से फिश है भाई इसमें? कॉपर ऑस्कर है, इसमें वेल टेल टाइगर ऑस्कर है जी, और एल्बाइनो कॉपर ऑस्कर है जी, और एल्बाइनो ऑस्कर है, टाइगर ऑस्कर है. इसमें तीन चार वैरायटी के ऑस्कर हैं, और जो टाइगर शार्क देख सकते हैं आप, दो पीस टाइगर शार्क भी है. कैसे प्राइस में आएंगे ये? 1200 रुपीस पेयर है भाई. इसमें वेलटेल ले लीजिए, या चाहे टाइगर ले लीजिए, एल्बाइनो ले लीजिए, कॉपर एल्बाइनो कॉपर ले लीजिए, या फिर कॉपर ऑस्कर ले लीजिए. तो कॉपर में भी आप देख सकते हैं, कॉपर में भी वेलटेल कॉपर है. तो सेम मैं सबका एक ही रेट रखा हूँ, 1200 रुपीस. सही है. सो ये है कर्नाटका एक्वेरियम का बिलिंग डेस्क. यहाँ पे है सारा ऑटोमेटिक बिलिंग सिस्टम. सो दिस इज ओवर योर अ बारकोड स्कैनर. देन मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखा देता हूँ. हर एक प्रोडक्ट के ऊपर इन्होंने ऐसा लेबल लगाया है. सो बारकोड के जरिए स्कैन होगा एंड स्क्रीन के ऊपर वो डिस्प्ले होगा, एंड डिस्काउंट एंड ऑल सारा इस स्क्रीन से ही प्रोसीड होगा. देन मैं आपको दिखाना चाहूँगा, पहली बार मैं देख रहा हूँ किसी शॉप का, पेट शॉप का प्रिंटेड बिल, प्रॉपर फॉर्मेट वाला प्रिंटेड बिल है, GST एंड ऑल इंक्लूड करके, रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड ऑल के साथ. सो मेरे ख्याल से कर्नाटका एक्वेरियम हैज रियली टेकन अ स्टेप फॉरवर्ड, अ स्टेप अहेड. सो सैयद भाई, आई ऑनेस्टली रियली एंजॉयड कवरिंग द न्यू लुक. एज सून एज आई एंटर्ड बेंगलोर, आई वॉज रियली रियली एक्साइटेड टू See your new look of Karnataka Aquarium and to show to all our viewers. तो ये बताइए भाई कि Karnataka Aquarium की delivery के बारे में बहुत से लोग पूछते रहते हैं. हमने तो already बताया है कि आप all over India delivery करते हो, पर अब ये बताइए कि अगर कोई बेंगलुरु में रहता है या कर्नाटका के अंदर होता है तो कैसी delivery आप करते हो, और अगर किसी को out of कर्नाटका से चाहिए, out of state चाहिए, तो कैसे आप deliver करते हो? देखिए भाई, मैं डिलीवर तो हो जाएगा, वो कैसे क्या वो तो बोल नहीं सकता, डिपेंड करता है ट्रांसपोर्ट के ऊपर. ऑल ओवर इंडिया तो मैं वैसे करता हूँ, अगर नियर बाय बेंगलुरु में है तो ऑब्वियसली मैं आपके व्यूवर्स से यही कहना चाहूँगा, प्लीज़
शॉप पे आके विजिट करके देखें, क्योंकि जो उनको कंफर्टेबल लगा वो लेके जाएं। और दूसरा मैं ये बोलना चाहूँगा, जो आ नहीं सकते, जैसे कि बहुत लोग बिजी रहते हैं, उनको मैं ये बोलना चाहूँगा, जैसे कि मैं बाहर ट्रांसपोर्ट लेता हूँ, वो सेम ट्रांसपोर्ट मैं बेंगलोर में भी लूँगा। अगर ये नहीं है कि मेरे नियर बाई में भी है तो ट्रांसपोर्ट तो लगेगा ही, बिकॉज उनके लिए अलग से लड़का जाएगा। अगर 5 किलोमीटर भी होगा तो भी वो सेम प्राइस देगा। मैं 600 रुपीज़ चार्ज करता हूँ कॉमन ट्रांसपोर्ट का। डिपेंड्स ऑन एनिमल, जैसे कि कितना एक्सपेंसिव है, कितना रेयर है, उस पर डिपेंड होता है ट्रांसपोर्ट। जैसे कि अगर मैं मछली भेज रहा हूँ ट्रेन से, अगर मैं कछुआ भेजना है दूसरी जगह से, तो उसका ट्रांसपोर्ट अलग से लगेगा। वो जो भी है मेरे शॉप के मेरे भाई लोग बता देंगे। और बाकी जो भी एनिमल हो, जो भी रोडेंट हो, जो भी फिशर्स हो, जो भी एग्जॉटिक पेट हो, वो सब आपको मिल जाएंगे घर पे मिलेंगे। लेकिन पेमेंट जो है वो पहले कराना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि भैया पहले पहुंचा दीजिए, क्योंकि ये अमेजोन नहीं है। जब अमेजोन की पोजीशन पे आ जाए तब मैं कैश ऑन डिलीवरी दे पाऊंगा, लेकिन एनिमल्स को कैश ऑन डिलीवरी कोई नहीं दे पाएगा। बिकॉज एनिमल का क्या रहता है, आप खुद सोचिए कि लाइव एनिमल है, कुछ भी हो सकता है रास्ते में। तो पहले पे करना तो 100% पड़ेगा। मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ, ऑन अराइवल आपको लाइव मिलेगा, या फिर अगर वो कुछ हो गया, उसको कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो उसका रिप्लेसमेंट आपको मिल जाएगा विद इन 15 डेज में। और जब भी ऑर्डर प्लेस करेंगे तो उसको ऑर्डर प्लेस के लिए 15 डेज टाइम रहेगा। जैसे कि आप फिशर्स रख लीजिए या फिर दूसरा कुछ भी रख लीजिए, 15 डेज टाइम रहेगा। विद इन 15 डेज में आपको, अगर आपका जो भी एनिमल हो, फिशर्स हो, जो भी अगर है, अगर वो आपको मिला नहीं, तो जैसे आपने पेमेंट किया था सेम अमाउंट आपको रिफंड हो जाएगा। फिर से आपको कॉल आएगा जब भी हमारे पास वो स्टॉक आ गया हो या फिर दूसरा स्टॉक हो, तो फिर से आपको कॉल आ जाएगा कि सर आपने जो ये ऑर्डर दिया था आपका आ गया है, जब आप पेमेंट कर सकते हैं फिर से, तो तब भी आपको 15 डेज ही टाइम रहेगा। तो गाइस मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि इसमें जो मेंटेनेंस रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है, तो प्लीज आप खुद सोच के ऑर्डर प्लेस करिए। और भाई आपके 3 से 4 नंबर्स है, तो कई बार व्यूअर्स बोलते हैं कि एक नंबर बिजी आता है, ये नंबर बिजी आता है, तो ऑब्वियसली बिजी आएगा। बहुत लोग कॉल करते हैं, आप व्यूज ही देख लीजिए, वीडियोस के मिलियंस पे जाते हैं जी, तो व्यूज फोन तो बिजी आएगा ही आएगा। जी, मैं 3 कॉन्टेक्ट नंबर देके हूँ, तो तीनों कॉन्टेक्ट नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं जी। जो पहला नंबर रहता है सभी लोग उसी पे ज्यादा कॉल करते हैं, तो मैं आपको सब लोगों को ये सजेस्ट करूंगा, दूसरा नंबर, सेकेंड नंबर पे भी ट्राई कीजिए। अगर वो नहीं उठा रहे हैं तो व्हाट्सएप कॉल पे ट्राई करिए, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। आपका व्हाट्सएप का मैसेज विद इन 24 आवर में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। बढ़िया, 24 आवर ज्यादा बोल रहा हूँ, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ विद इन 24 आवर्स में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ऑलराइट सैयद भाई, अब बढ़े नेक्स्ट वीडियो की तरफ। हाँ भाई, ऑलराइट, सो दिस वॉज द न्यूली रिनोवेटेड रिवैम्प्ड न्यू वर्जन ऑफ कर्नाटका एक्वेरियम। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग द न्यू लुक renovated Karnataka Aquarium, India's most famous, most popular exotic pet shop. Coming soon are more interesting videos that you would love to enjoy, and me myself, I am very excited to cover the next exotic pets at Karnataka Aquarium. So bane rahiye video ke ant tak. Thank you so much for watching and have a wonderful day ahead.